जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। और करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में जातीय जनगणना चल रही है, इस पॉइंट को थोड़ा सा किनारे रखिएगा। दोस्तों, आप एक भारत के नागरिक हैं, आपको अपना अधिकार है, अपने सवाल अपने सरकार तक पहुंचाने का, अपना सवाल सरकार से पूछने का, ये आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है। तो हम भी अपना अधिकार यूज करते हुए यहाँ पर और अपने सवालों को सरकार के सामने, आयोग के सामने रख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है, इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ, आप लोगों ने टीचर वैकेंसी निकाली, 1,75,000 की एग्जाम लिया। एग्जाम लेने के बाद आंसर की तक जारी नहीं किया, आंसर की के छोड़िए रिजल्ट भी आपका नहीं आया। उससे पहले आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, ये जानकारी हमें चाहिए। और इसका यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट दीजिए, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आके इस बातों को आप उलझा के रख दिए हैं। सभी छात्र ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले क्यों ले रहे हैं, या फिर उसकी जांच क्यों करवा रहे हैं, या फिर उनको मौका क्यों दे रहे हैं। जो छात्र यहाँ पर कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स पहले जमा करें, उनकी जांच होगी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक यहाँ पे रखा गया है। तो सवाल यहाँ पर वहां से उठता है, बिहार में जातीय जनगणना चल रही है, क्या आप जात पात देखकर रिजल्ट देने वाले हैं? इसका जवाब चाहिए। फिलहाल आपके लिए कुछ दो नोटिफिकेशन है यहां पर, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आप भी विचार कीजिएगा इस सवाल पे। और दो नोटिफिकेशन आए हैं, एक 67वीं बीपीएससी मेंस को लेकर और एक बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर। चलिए सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं। दोस्तों, अभी अभी जारी हुआ 31 अगस्त का ये नोटिफिकेशन, जो कि सुबह अतुल प्रसाद जी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसका अपडेट भी दे दिया था। हमने भी अपने चैनल के माध्यम से सुबह एजुकेशन की पे इसके बारे में जानकारी दी थी। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और 67वीं बीपीएससी मेंस रिटन एग्जाम को लेकर भी। तो चलिए पहले 67वीं बीपीएससी के बारे में जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है दोस्तों, 67वीं बीपीएससी को लेकर, जो मैं आपको तक साझा कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी छात्र यहाँ पर 67वीं बीपीएससी का मुख्य लिखित परीक्षा प्रतियोगिता में सम्मिलित अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि यूजर नेम और अपना पासवर्ड से अपने बीपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जो है वहां पे लॉग इन करेंगे। पहले देखिए, आपको बीपीएससी का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन दिया गया है, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आपको आना है बीपीएससी ऑनलाइन पोर्टल पे, जहां से जो है आपको यहां से अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर और इस कैप्चे को डालकर यहां से लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करेगा, आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, और वहां पे 1 सितंबर से 5 सितंबर तक आपको 100 KB का एक पीडीएफ बनाना है और अपलोड करना है। क्या अपलोड करना है? तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने प्रमाण पत्रों को। यहाँ भी आपका जो है डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है आपके मुख्य लिखित परीक्षा से पहले, और यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे। ध्यान से बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, विचार कीजिएगा। उक्त मुख्य प्रतियोगिता जो है आपका परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशन के बाद जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वे निर्धारित साक्षात्कार तिथि को अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्र की मूल प्रति 2 सेट, छाया प्रति यानी कि उसका फोटो कॉपी के साथ इंटरव्यू में सम्मिलित होंगे। किसी भी प्रमाण पत्र के लिए अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ भी अभी देखिए, आपका रिजल्ट नहीं आया है मेंस एग्जाम का, और आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगा जा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स और जो प्रमाण पत्र हैं जिसमें कि आपका 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक का सर्टिफिकेट या पीजी का सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, और यहाँ पर दोस्तों आपका सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स के हैं वो फोटो रंगीन और सिग्नेचर के सब कुछ दस्तावेज जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको 100 KB में मांगा गया है पीडीएफ के साथ। लेकिन क्यों, पहले क्यों, ये आपका रिजल्ट आने के बाद भी तो प्रोसेस हो सकता था, इसकी जानकारी हम चाहते हैं। तो ये सवाल यहाँ पर 67वीं बीपीएससी के लिए है। तो ये जानकारी भी आपको 67वीं बीपीएससी, और मेरा देखिए कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, मैंने ये बस सवाल रखा है। अगर आप लोगों में से किसी को जवाब आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, एक और नोटिफिकेशन है जो कि टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर है, जहां पर 26/2023 के इस एडवर्टीजमेंट के बारे में सुबह भी अपडेट मैंने किया था,
माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए ये जो है अभ्यर्थियों को दिनांक 1 सितंबर से 3 सितंबर तक इनको तिथि दी गई है। ये बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट का है, जो छात्र एग्जाम दिए हैं उनका आवेदन किया गया, जो प्रविष्टि है अगर उसमें कोई गलती है त्रुटि है सुधार हेतु तो आवश्यक सूचना यहाँ पे दिया जा रहा है, तो उसके क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है। क्योंकि ये बातें आपको जो है सुबह भी ट्विटर पे बताया गया है ट्वीट करके अतुल जी के द्वारा, तो प्रविष्टियों में सुधार का यह अवसर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी सहित सभी अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। यानी कि आप जो है प्राथमिकी में है, माध्यमिक के लिए है या उच्च माध्यमिक के लिए है, अगर आपने आवेदन किया है तो आप लोग अगर कोई गलती किए हैं तो सुधार कर सकते हैं, नहीं गलती है तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित कागजात के अनुरूप यहाँ पे जो भी प्रविष्टियों में सुधार करना है, ऐसी कोई भी प्रविष्टि नहीं करनी है जो कि पहले में समर्पित कागजातों को से भिन्न है, यानी कि ऐसा कुछ भी पहले से जो आपने डाल रखा है गलत नहीं है तो उसको दोबारा नहीं करना है। किसी भी प्रविष्टि और समर्पित कागजातों में अंतर होने से प्रविष्टि को अमान्य कर दिया जाएगा, मतलब कि एक बार जो आपने डाल दिया सही सही उसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि वही चीज दोबारा डाल दिए है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा वहां पे, तो उसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा। ऐसी स्थिति में उनकी अहर्ता या पात्रता प्रभावित हो सकती है और वो स्वयं जिम्मेवार होंगे। आवेदन के साथ साथ समर्पित कागजातों में कोई भी परिवर्तन करने का अवसर भी नहीं दिया जाएगा और अब कोई नया प्रमाण पत्र भी स्वीकार नहीं होगा। मात्र अपियरिंग वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे सूचित किया जाता है कि जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट है ना, चाहे वो बीएड के हों सीटेट के हों, उनके पास अब उनका प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप मत कीजिएगा, है ना, आपको बाद में चांस भी दिया जाएगा। अच्छा, वैसे प्राथमिकी विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी जिनको कि अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड में बदलना है, तो उनको संबंधित जो कि समस्याएं जो है ये जो है आपको बाद में दिया जाएगा समय, है ना, उनको इससे संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा। यानी कि अभी आपको जो है डीएलएड वाले छात्रों को अपना डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, अगर आपने डीएलएड बीएड दोनों ही कर रखा है। अगर आप चाह रहे सोच रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश बिहार सरकार भी मान लेगा सुप्रीम कोर्ट वाला, और 1 से 5 में बीएड वालों को बाहर कर देगा, तो उनके लिए यहाँ पे अतुल सर ने यहाँ पे बोला है कि आप लोगों का डीएलएड वाला सर्टिफिकेट हम लोग ले लेंगे जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो बीएड वाले हैं वो तो यहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इससे तो एक चीज जानकारी होती है कि कहीं ना कहीं एक कॉर्नर पे, अगर सॉफ्ट कॉर्नर ही देखें तो बीएड वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है अभी आस बाकी है, जब तक कि अतुल प्रसाद जी जो है खुलकर ये बातें नहीं कह दें कि बीएड वाले अब 125 से बाहर हो गए। तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन से हमने ये जानकारियां आपको दी है इस वीडियो के माध्यम से। आपको कोई डाउट है तो आप भी पूछिए, आपका हक है, आप यहाँ पे भारत के नागरिक हैं और सवाल पूछने का अधिकार है आपके अपने सरकार से और आपके अपने आयोग से, तो हमने पूछा है तो जवाब जरूर चाहिए यहाँ पर। इसके बारे में आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को ताकि ये सरकार तक चीजें जाएं और इसका जवाब यहाँ पे जरूर आना चाहिए। लेकिन हाँ, कोई भी अपशब्द चीजों का आप लोग इस्तेमाल बिल्कुल ना करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग भी एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आप ग्रेजुएट हैं, तो सोच समझ के ही इसका उत्तर कीजिएगा। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि मेरी यहाँ पे जो थिंकिंग है वो गलत हो जाए यहाँ पे इस चीज को लेकर, और होनी भी चाहिए गलत, ऐसा सोचकर नहीं करना चाहिए किसी भी आयोग को या सरकार को, है ना। तो ये हमने अपनी बातें रखी हैं सिर्फ यहाँ पे, और फिलहाल दो नोटिफिकेशन थे वो हमने आप तक इसी बीच में साझा भी कर दिए हैं। जय हिंद साथियों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जल्द ही।